सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें कितना चार्ज करना चाहिए अगर हम किसी की वीडियोस को प्रमोट करते हैं, या फिर किसी के ब्रांड के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, या फिर किसी की स्टोरी डालते हैं। ठीक है, तो हमें कितना चार्जेस लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बात करेंगे। एक्चुअली मुझसे किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मतलब कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमें कितने पैसे मांगने चाहिए ब्रांड को, तो सस्ते में ही प्रमोशन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक मिनिमम प्राइस एक रखना है आपको कि कितने रुपए में आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, किसी के लिए स्टोरी लगा रहे हो, किसी के लिए मतलब वीडियोस बना रहे हो। ठीक है, तो आपको मिनिमम प्राइस पता होना चाहिए कि कितना प्राइस आपको लेना चाहिए ब्रांड से। तो वही सारी चीज़ें आज की वीडियो में बात करेंगे। सो पिछली वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। सो वो वीडियो देख के कुछ लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल गया था, मुझे मैसेज भी किया था कुछ लोगों ने। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं मिला तो उनको मैसेज कर सकते हो, बिकॉज़ वो लोग अभी कोलाब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग उनके साथ कोलाब कर सकते हो ईजिली, तो उनको मैसेज ज़रूर करना। ठीक है, पिछली वीडियोस देख के, और स्पॉन्सरशिप आप लोगों को मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेड स्पॉन्सरशिप के बारे में, आपको कितना चार्ज करना चाहिए ब्रांड को। ठीक है, अगर आप किसी की वीडियोस को प्रमोट करते हो या फिर कंटेंट क्रिएट करते हो तो हमें कितने पैसे लेने चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली साइट पे आते हैं। ठीक है, मैंने खुद बनाई है साइट और काफ़ी यूज़फुल साइट है। आप चाहे तो यहाँ से बाटर ब्रांड के लिए, पेड ब्रांड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो स्पॉन्सरशिप के लिए। यहाँ पर डेली मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, मैं डेली इस पर डालता रहता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ हम बात करते हैं कितने पैसे आपको लेने चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये फॉर्मेट को कॉपी कर लेना। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट है। ठीक है, कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना, यहाँ पे अपना नाम, फ़ोन नंबर, मेल आईडी वगैरह डाल देना, और यही मैसेज आपको मतलब ब्रांड को सेंड करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ में ये बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने नए हैं चैनल पर तो ये कॉपी करके पेस्ट जरूर करना। ठीक है, ब्रांड को, तभी आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कितने चार्जेस लेने चाहिए। ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, मतलब कि काफ़ी लोग से मैंने पूछा कि वो कितने चार्जेस करते हैं, तो एवरेज मतलब कि प्राइस इतना ही था। तो आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके फॉलोअर्स है, ठीक है, अगर आप वीडियोस बनाते हो, ठीक है, तो वीडियोस बनाते हो तो मतलब उस पर व्यूज़ भी आते हैं। ठीक है, तो व्यूज़ के हिसाब से पैसे लेते हैं ब्रांड से। ठीक है, अगर आपके 5K से 10K के बीच में फॉलोअर्स है और उसका एवरेज व्यू आता है 5K, ठीक है, मतलब 5,000 तो आ ही जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो आप 800 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो, और इससे ज़्यादा आता है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, मतलब मिनिमम आपको 800 रुपीज़ चार्ज करना ही है। ठीक है, इससे कम में नहीं करोगे तो आपका ही लॉस है, बट इससे ज़्यादा में करोगे तो फ़ायदा है आपको। ठीक है, तो 800 रुपीज़ आपको चार्ज करना ही है। ठीक है, अगर आपके 10K और मतलब 20K के बीच में फॉलोअर्स है तो आप 1500 रुपये चार्ज कर सकते हो 8K व्यूज़ के, मतलब 700-800 व्यूज़ आपके चैनल पे एवरेज आ ही जाते हैं। ठीक है, तो 1500 रुपये कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो अगर इससे ज़्यादा आपके व्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपको 1500 रुपये चार्ज करना ही है। ठीक है, अगर आपके 20K से 30K के बीच में फॉलोअर्स है, ठीक है, आप 1800 रुपये भी ले सकते हो, 2000 रुपये भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, मतलब थोड़े पैसे आगे पीछे कर सकते हो, बट नॉर्मली आपको मतलब मिनिमम आपको 1800 रुपये चार्ज करना है 10K व्यूज़ के। ठीक है, तो व्यूज़ के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अगर कोई आपको बोलता है रील्स बनाना है या फिर मतलब वीडियो को क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप व्यूज़ के हिसाब से उनसे पैसे ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो, अपने हिसाब से देख लो कितना चार्जेस है। 40K और 50K के बीच में 27 है। ठीक है, और 50K और 60K के बीच में 3000 रुपये। ठीक है, और 60 और 70 के बीच में 3200 रुपये, 3500 रुपये, और बाकी अगर इससे ज़्यादा फॉलोअर्स है तो अपने हिसाब से 4000-5000 रुपये चार्ज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो नॉर्मली इतने लोग ही है। ठीक है, जो फॉलोअर्स हैं मेरे तो इतने तक ही है। ठीक है, तो मैंने उनको बता दिया है कितने कितने चार्ज करने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्टोरी और पोस्ट के, ठीक है, अगर किसी की स्टोरी लगाते हो या फिर पोस्ट लगाते हो तो उसके लिए अलग से चार्ज कर सकते हो, क्योंकि देखो वीडियो बनाने के लिए मतलब थोड़ा टाइम लगता है, एडिटिंग में भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, और पोस्ट वगैरह में इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़े कम पैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो, अगर 5K से 10K के बीच में फॉलोअर्स है आपके तो 500 रुपये ले सकते हो, अगर 10K और 20K के बीच में फॉलोअर्स है तो 1000 रुपये भी ले सकते हो। ठीक है, बट मिनिमम आपको इतने रुपए लेने हैं, इससे अगर कम में करोगे तो आपका लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कोलैब करते हैं तो ज़्यादा पैसे मांगते हैं। अगर आपका ऑडियंस अच्छा है, रिटेंशन भी अच्छा है, इंगेजमेंट रेट भी अच्छा है, ठीक है, तो आप ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो, बट मिनिमम आपको इतने करने हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना कितने रुपये आप चार्ज कर सकते हो ब्रांड को। ठीक है, बट ब्रांड का भी एक बजट होता है, तो उस बजट के हिसाब से आपको मतलब बोलना होता है कि हाँ इतने रुपये मैं लूँगा।
ठीक है, मतलब आपकी वीडियोस को क्रिएट करने के लिए, पोस्ट को क्रिएट करने के लिए, या फिर आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग कोलैब कर सकते हो ब्रांड के साथ, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, बट बहुत काम की इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप लोगों को नहीं पता था, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये, ठीक है, और अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगली बार कोई ब्रांड आपको बोलेगा कोलैबोरेशन करने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम आप बोल सकते हो कि हाँ, मुझे मतलब मैं आपसे आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ, मुझे आपके 500 रुपीज़ या 700 रुपीज़ पर पोस्ट के हिसाब से लूँगा, या फिर वीडियोस के हिसाब से या व्यूज़ के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। सो थैंक यू सो मच।